गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज सब्जेक्ट इज़ मैथ्स एंड टुडेज टॉपिक इज़ द मल्टीप्लिकेशन। आज अपन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। देखो, फाइंड द मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अपन सबसे पहले छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा प्लेस है? वंस, और ये क्या है? टेंस। अब देखो, यहाँ पे 2 का पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 2 फोर ज़ा 8, और ये हो गया 2 फोर ज़ा 8। अब 2 को कैसे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 टू ज़ा 4। आंसर्स क्या है अपना? 48। अब देखो, ये नंबर्स को यहाँ पे, ये नंबर्स हैं, इसको किससे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। मीन्स 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ीरो ज़ा 0। अब देखो, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर्स का अपन कोई भी नंबर लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर्स क्या आता है? 0 ही आता है। 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 टू ज़ा 4, आंसर्स क्या आया? 404। नेक्स्ट इज 25 मल्टीप्लाई 3, 3 फाइव ज़ा 15, क्या है आंसर? 15। अब यहाँ दिस इज़ द वंस और ये टेंस। जो वंस होता है ना, वो यहाँ लिखते हैं, और टेंस का क्या देते हैं अपन? क्यारी। मीन्स 5 यहाँ लिखेंगे वंस का नंबर, और जो टेंस है वो कहाँ क्यारी देना है अपने को। 3 टू ज़ा 6, 6 और 1 क्यारी जो है वो 7। मीन्स आंसर्स क्या हो गया? 75। नेक्स्ट इज, अब देखो, 3 का टेबल कहाँ तक बोलना है अपने को? 7 तक। 3 सेवन ज़ा 21, 21 आया है। तो ये वंस और ये हो गया टेंस। तो वंस वाला नंबर यहाँ लिखना है, और 2 कहाँ देना है कैरी? 0 पर। 2 ज़ीरो ज़ा 0, 3 ज़ीरो ज़ा 0 पर ऊपर जो कैरी दी हुई है वो क्या लिखना है यहाँ पे? वापस 2। 3 थ्री ज़ा 9, फिर यहाँ आंसर्स क्या आएगा? 921। नेक्स्ट 2 ज़ीरो ज़ा 0, 6 टू ज़ा 12, 2 1 कैरी। 2 टू ज़ा 4, 4 एंड 1 5, इस तरह से 520। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल और एक नंबर लेंगे अपन, 4 3 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, यानी इज द वंस, टेंस एंड 100। ये क्या आंसर्स आ गया? 1296। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है।